नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड। फिर से हम एक बार हाजिर है आपके सामने कुछ नए टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एंड तक जरूर से देखिएगा। इसके अंदर कुछ लास्ट में कुछ अच्छा सा आपके लिए एक अनाउंसमेंट होने वाला है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक सवाल आ रहा है कि नीट कब लिया जाएगा। बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस हर एक क्लासेस और स्कूल सब बंद पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के हर एक दफ्तर बंद पड़े हुए हैं, तो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन अभी उठ के आ रहा है। 27 तारीख 2020 को NTA द्वारा एक पब्लिक नोटिस इशू किया गया है जो NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसके बारे में हम वर्ड टू वर्ड आज डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहले तो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका जो लिंक है NTA की वेबसाइट का, वो भी यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में हमने डाला हुआ है। उसके अलावा नीचे दूसरे दो तीन लिंक भी जो आपको रेफर करने रहेंगे पूरे ये वीडियो के दरमियान। तो सबसे पहला तो जो सब्जेक्ट था वो पोस्टपोन जो नीट किया गया है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 2020, उसके रिगार्डिंग बात है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये वीडियो के अंदर हम हर एक चीज़ को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे और एकदम बेसिक लेवल पे, कि सबको ये चीज़ डिटेल में समझ पाए। रीज़न क्या है, इंग्लिश सबके लिए नॉन लैंग्वेज नहीं है। आजकल 18 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके अंदर से मोर देन 40% जो है वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको इंग्लिश के अंदर इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो उसके लिए ही हम लोग ये हिंदी के अंदर वीडियो बना के यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं हर एक चीज़ को। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जनरली जो अनाउंसमेंट किया गया है कि ड्यू टू द कोविड-19 प्रॉब्लम, जो लॉकडाउन किया गया है उसके संदर्भ में 3 मई को जो एग्ज़ाम दिया जाना था नीट का, वो पोस्टपोन किया जा रहा है। सेकेंड रीज़न ये डिले होने का रीज़न ये भी है कि 12 की CBSE की इंटरनेशनल बोर्ड की एग्ज़ाम अभी तक बाकी है। उसके अलावा नीट PG का जो काउंसलिंग है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। दूसरे पैराग्राफ में जो उन लोगों ने मैंशन किया गया है कि ये कंडीशन जल्दी टेक हो जाएगी और ज़्यादातर चांसेस है कि नीट की जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट वीक के अंदर शायद ली जाएगी, यानी कि पिछला जो आखिरी हफ्ता रहेगा उसके अंदर। और जो ये नीट का नया एडमिट कार्ड जो 27 तारीख को इशू होना था, जो कैंसिल किया गया था, वो शायद अब अप्रैल की 15 के बाद रिलीज़ किया जाएगा। तो ये वेबसाइट के ऊपर आपको बने रहना ज़रूरी रहेगा, या फिर हमारे वीडियो के साथ ही बने रहिए, यहाँ पर भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे जो डे बाय डे NTA के द्वारा रिलीज होती रहेगी। तो कभी भी खुद को अपडेट करने से पीछे मत रहिएगा। ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर सीधा बोला गया है, पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है उसके अंदर स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड कीजिए और स्टूडेंट को ये जो टाइम मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करवाइए। और जो भी उनका एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी उनका जो लोपल्स रह जाता है, कहीं पर कमियाँ हैं, वो कमियाँ पूरी करने के लिए आप ट्राई कीजिए। तो इसके अंदर मेनली देखिए, क्लासेस और स्कूल सब बंद है, तो अभी ऑनलाइन मीडियम ही एक अवेलेबल है। कुछ कुछ कम कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम स्टूडेंट से और पेरेंट्स से ये एडवाइस करेंगे कि वो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो क्लासेस मिलते हैं, कई लोग फ्री में भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कई लोग पेड भी कर रहे हैं, जैसे जैसा आपको कन्वीनियंट है वैसे आप ये कोचिंग ले सकते हैं, जो कि आपका नॉलेज इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी आपको। आखिरी का जो पैराग्राफ है उसके अंदर मेनली उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप कॉल करके कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इवन दो वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, NTANEET.NIC.in एंड NTA.AC.in, ये दोनों वेबसाइट से भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, या तो फिर आप जो दिए गए नंबर है यहाँ पर वो नंबर पर कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो फिर हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। हमने जो शुरू में आपको बोला था कि हम एक अच्छा कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आज, तो अनाउंसमेंट ये रहा आपके सामने हाजिर है। हम लोग नेक्स्ट सैटरडे से एक नीट पे चर्चा करके एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं टोटली ऑनलाइन, जहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया होगा गूगल फॉर्म का, वो फॉर्म में जाके आपका डिटेल आपको फिलअप करना है, और उसके फिलअप करने के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसको कनेक्ट करके आपको ऑनलाइन आना है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टीचर्स, काउंसलर, एक्सपर्ट्स जो रहेंगी इंडिया के अंदर जो एडमिशन का काम करते हैं वैसे, अब्रोड के काउंसलर, या फिर हमारे कंपनी से कोई पर्सन, और ट्राई करेंगे हम लोग तीनों सब्जेक्ट के टीचर को भी हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको जहाँ जहाँ पे जो सब्जेक्ट के बारे में, किसी काउंसलिंग के बारे में, या किसी भी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होगा,
आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है, वेबिनार जो हमारा चलेगा वो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा भी चल सकता है, डिपेंड ऑन द टॉपिक। लेकिन हाँ, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 स्टूडेंट की ही है, मीन्स कि 100 स्टूडेंट पेरेंट्स या टीचर, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी अभी पर डे की नहीं है। तो जितना जल्दी आप रजिस्टर करवाएंगे उतना आपको जल्दी चांस मिलेगा। हर रोज़ का हम लोग करने वाले हैं, अगर स्टूडेंट का गैदरिंग अच्छा रहा, फ्लो अच्छा रहा था, तो पर डे 3-3 वेबिनार भी हम लोग करेंगे। तो ये हमारी चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारा टेलीग्राम का भी लिंक आपको दिया गया है, उसके ऊपर जाके भी आप ऐड हो सकते हैं खुद से, वहाँ पे भी आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरी बात, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो वेबिनार होगा उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। मीन्स आज एक सैटरडे को वेबिनार खत्म होगा तो संडे को आपको सैटरडे वाला वेबिनार ऑनलाइन देखने को मिलेगा। वैसे ही हर रोज़ के जितने वेबिनार रहेंगे वो हर एक नीट पे चर्चा का शेड्यूल रहेगा, वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे भी कभी भी आपको विजिट करना आप कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।